डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट ऑन स्किल सेंटर। माई सेल्फ रोहित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप फोल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो चाहे आपको डेस्कटॉप पर क्रिएट करना हो, या फिर अपने ड्राइव के अंदर क्रिएट करना हो, या फिर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करना हो। इसके साथ साथ कंप्यूटर ओपन होने के बाद फर्स्ट स्क्रीन जो ओपन होती है, हम उसके बारे में सीखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन, जिसे हम फर्स्ट स्क्रीन बोलते हैं, ओपन होती है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। यानी कि जिस स्क्रीन के ऊपर हमने हार्ट ऑन स्किल सेंटर अपोजिट बस स्टैंड हांसी मोबाइल नंबर 9812411104 ये जो पिक्चर हमने सेट की हुई है, ये पिक्चर हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेट की हुई है, इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप के ऊपर आपको कुछ ग्राफिक्स नज़र आएंगे, इन ग्राफिक्स को आइकन्स बोला जाता है, ICONS आइकन्स। कंप्यूटर आइकन है, नेटवर्क आइकन है, रिसाइकल बिन आइकन है, देन एक फोल्डर है। इस फोल्डर के साथ साथ आपको इसके नज़दीक एक तीर का निशान नज़र आएगा, इसे माउस पॉइंटर कहा जाता है। माउस पॉइंटर क्यों कहा जाता है? जब हमें इसमें से किसी भी आइकन पर क्लिक करना होगा तो हमें माउस पॉइंटर से किसी भी आइकन पर लेफ्ट क्लिक करके पॉइंट करना होगा, यानी कि आपको ये आइकन ओपन करना है, या फिर ये फोल्डर या फिर ये फाइल ओपन करनी है। तो माउस के द्वारा जो मूवमेंट करता है, जिससे हम पॉइंट करते हैं किसी भी आइकन को, उसे माउस पॉइंटर कहा जाता है। जिस तरह से आपको अगर रिसाइकल बिन ओपन करना है तो हम माउस के लेफ्ट क्लिक से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे आपका जो रिसाइकल बिन है वो पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हमें कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, जिससे हमारा रिसाइकल बिन ओपन हो जाता है। नाउ डेस्कटॉप के जस्ट नीचे यानी कि बॉटम में एक कंप्लीट पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पैनल को टास्क बार बोला जाता है। टास्क बार यानी कि एक ऐसा बार जो टास्किंग करता है, यानी कि जो आपको बताता है कि फ़िलहाल आपने कौन सी फाइल ओपन की हुई है, या फिर आप किस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, या फिर कौन कौन सा प्रोग्राम अभी फ़िलहाल रनिंग में है, जो चल रहा है, या फिर आपने किसी फाइल की विंडो को मिनिमाइज किया हुआ है, ये सब आपको टास्क बार बताता है। टास्क बार के जस्ट स्टार्टिंग में आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू इसीलिए बोला जाता है कि आप जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर से आपको कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है, कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो आपको सब स्टार्ट मेन्यू के अंदर से ही स्टार्ट करना होगा। देन हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ऑफिस वर्ड पर काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर काम करना है, पेंट के अंदर काम करना है, या नोट पैड के अंदर काम करना है, या फिर किसी भी एप्लीकेशन को आपने ओपन करके देखना है, तो आप कर सकते हैं, जबकि स्टार्ट मेन्यू से ही होगा। आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो आपको नहीं मिल रही है कि कंप्यूटर के अंदर कहाँ है, तो वो आप स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाकर सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स के अंदर जाकर सर्च कर सकते हैं। कोई भी फाइल है, कोई भी प्रोग्राम है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको नोटपैड ओपन करना है लेकिन आपको नहीं पता नोटपैड कहाँ है, तो आपको यहाँ सिंपली नोटपैड टाइप करना है, जिससे आप नोटपैड सर्च हो जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, जिससे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। क्लोज कर देते हैं। उसके बाद टास्क बार के जस्ट लास्ट के अंदर आपको वॉच दिखाई देती है, जिससे आप अपने सिस्टम का टाइम एंड डेट सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम फोल्डर किस तरह से क्रिएट करें डेस्कटॉप पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली माउस से राइट क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है न्यू, उसके बाद आपको क्लिक करना है फोल्डर पर। आपका न्यू फोल्डर के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आप इसे या न्यू फोल्डर रहने दें, या फिर आप इसे अगर कोई स्पेसिफिक नेम देना चाहते हैं तो आप इसे स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे हार्ट्रॉन, यानी कि ये फोल्डर जो है हार्ट्रॉन का है। नेक्स्ट, अगर हमें इस फोल्डर का नाम चेंज करना है तो फर्स्ट तरीका है
आप इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें, रीनेम करें HSC यानी कि हार्टून स्किल सेंटर। आप फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इस फोल्डर पर क्लिक करें, उसके बाद आप इस फोल्डर नेम पर लेफ्ट क्लिक करें। आप यहां से फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ये तो है कि आप डेस्कटॉप पर किस तरह से फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसके बाद अगर आपको अपनी ड्राइव के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे, अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे, डी ड्राइव के अंदर जाएंगे। इसके अंदर ड्राइव के अंदर जाने के बाद आप या तो न्यू फोल्डर पर क्रिएट करें, आपको ऊपर मेन्यू बार के अंदर मिल जाएगा न्यू फोल्डर। सेम आप इस फोल्डर का नेम डाल सकते हैं, हम यहां डाल देते हैं फोल्डर का नेम सेकंड। ये तो है फोल्डर क्रिएट करना। यहां पर भी आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, क्लिक ऑन फोल्डर, आप यहां फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहां हम डाल देते हैं फोल्डर का नाम थर्ड। देन अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना चाहते हैं, जिसे सब फोल्डर बोलते हैं, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी फोल्डर को ओपन कर लीजिए। सेम आप यहाँ अगर न्यू फोल्डर पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हम फोल्डर का नेम डाल देते हैं फोर्थ, या फिर आप राइट क्लिक करके क्लिक करें फोल्डर पर फिफ्थ, या फिर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, जिससे आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ हम फोल्डर का नाम डाल देते हैं सिक्स्थ। इसी तरह से आप फोल्डर के अंदर जाकर भी कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, जिससे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं कीबोर्ड से। आप यहाँ अपने फोल्डर का नाम डाल सकते हैं सेवंथ। तो ये था आपका किस तरह से हमें फोल्डर क्रिएट करना है। और जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो हमारे पास हमारे सामने जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होती है, उसके बारे में स्टडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अब इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वायरी है, या आपको आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट छोड़ें। नाउ सब्सक्राइब अवर चैनल हार्ट ऑन स्किल सेंटर हांसी। थैंक यू।